जी नौतार जंगल के आप ग्राम प्रधान हैं, विकास खंड खड्डा के, खड्डा में नौतार जंगल पड़ता है, उसके ग्राम प्रधान है। इस संबंध आप में आपके ग्राम सभा से प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जाप कार्ड का मामला हो, ये ग्रामीणों का आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस समय जो प्रधानमंत्री द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड और वो उसके बाद जाप कार्ड पे राशन मुफ्त दिया जाए, और वो आरोप लगा रहे हैं कि इन राशन इस जाप कार्ड पर हमको राशन इस वक्त नहीं मिला है। तो इस संबंध में क्या आप क्या जानकारी है, इन लोगों का ये आरोप है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कम से कम हमसे मुखापित हो गए हैं। आवास का जो है तो जो 2011 की सूची में जिनका नाम है उसी के आधार पर जो है आवास दिया गया है, और रह गया जाप कार्ड का, तो जो लोग सक्रिय जाप कार्ड हैं, जो लोग साल भर के अंदर काम किए हैं, उसके पहले भी जो लोग काम किए हैं, 289 का सूची माननीय कोरदार महोदय ले आए थे और हम गए तो 384 का सूची ब्लाक से ले आए, तो ब्लाक वाले और तहसील वाले ने ही गड़बड़ करके सूची दिए हैं। अगर सूची सब एकत्रित करके दे दिए होते तो इतना गांव में हल्ला बवाल नहीं हुआ होता। लेकिन ये भी एक मामला ये बताया जा रहा है, कुछ महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास द्वारा कुछ फार्म भरे गए थे, फार्म आपने अपने पास रख लिया, और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, कहीं 5,000 तो कहीं 10,000, और जिनको पैसा उन्होंने दिया उसको आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया, इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है? इस तरह का आरोप कोई नहीं है, हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, हमने मुफ्त में सबको आवास दिया है, और जिनका फार्म 2011 की सूची में जिनका नाम था सबको सत्यापन करके सेक्रेटरी और जो जिले से सबको आवास दे दिया गया है। कुछ एक दो अधूरा होंगे तो उनको भी मान लीजिए कोरोना वाला चल रहा है इसी में थोड़ा डिस्टर्बिंग होंगे, यानी सबको आवास मुहैया हम करा दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे लोग हों जो इस वक्त राजनीति का प्रयोग करते हों या राजनीतिक के कारण आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो? राजनीतिक परिवेश तो चल रहे हैं, अब चुनाव नज़दीक है, मान लीजिए 10-11 लोग चुनाव के मैदान में थे, वही लोग सब जनता भोली भाली जनता गुमराह करा रहे हैं, खुद उल्टा सीधा करवा रहे हैं। लेकिन जनता को ये भी जो भी आरोप लगाया जा रहा है निराधार आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है? हमारे ऊपर निष्पक्ष, हमारे ऊपर कोई गलती नहीं है, हम एकदम फ्रेश हैं, हम तन मन धन से गांव के लिए समर्पित होते हैं, हम आधा रात को कोई बुलाता है दूसरे काम लिए हम जाते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं गांव के लिए। हिंद मोर्चा न्यूज तहसील प्रभारी शिव शंभू सिंह की रिपोर्ट।